पाकिस्तानी निवडणुकीत विजय मिळवल्यानंतर मीडियाशी संवाद साधताना इम्रान खाननं भारताशी मैत्रीचे संबंध प्रस्थापित करणार असल्याचं सांगितलं. एकमेकांवर आरोप करण्यापेक्षा दोन्ही देशांमध्ये जास्तीत जास्त व्यापारी संबंधांवर भर देणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. ये पिछले चंद दिन ये इलेक्शन में कि जो हिंदुस्तान के मीडिया ने जिस तरह मेरी मुझे पोर्ट्रे किया, ऐसे लगा जैसे मैं कोई बॉलीवुड फिल्म का विलन हूँ. यानी ऐसे लगा कि जैसे हर चीज़ जो हिंदुस्तान के लिए बुरी है वो होगी अगर इमरान खान ताकत में आ जाए. मैं वो पाकिस्तानी हूँ जो शायद हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा वाकफियत लोगों से है. हिंदुस्तान सारा फिरा हुआ क्रिकेट की वजह से. मैं वो पाकिस्तानी हूँ जो समझता हूँ कि अगर हमारे और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात अच्छे होते हैं तो ये बड़े सगीर के लिए बेहतरी है. अगर हम ये गुरबत कम करना चाहते हैं बड़े सगीर में, जो कि सबसे नंबर वन प्रायोरिटी होनी चाहिए किसी भी गवर्नमेंट की, तो सबसे बेहतर ये हो कि हमारी एक दूसरे से ट्रेड टाइज चलें, हम एक दूसरे से तजारत करें. ब्लेम गेम ही चलती रहेगी कि जी पाकिस्तान की वजह से ये हो रहा है और पाकिस्तान सारा वक्त हम समझते हैं कि बलूचिस्तान में जो हो रहा है वो हिंदुस्तान की वजह से हो रहा है. ये तो हम स्क्वायर वन पे हैं इस वक्त. मैं ये चाहूँगा कि अगर हिंदुस्तान की लीडरशिप तैयार है, हम बिल्कुल तैयार हैं कि हम अपने ताल्लुकात बेहतर करें. आप एक कदम हमारी तरफ आएंगे, हम दो कदम आपकी तरफ जाएंगे, लेकिन आगे भी तो बढ़ें. अभी तक तो ये एक वन साइडेड किस्म की रिलेशनशिप है कि ब्लेम किया जा रहा है पाकिस्तान को. हर जिस किस्म की दुनिया में कहीं दहशतगर्दी हो तो पाकिस्तान को ब्लेम किया जाता है. तो मैं ये चाहूँगा, ये मेरा मैं कन्विक्शन से कह रहा हूँ कि ये दोनों, ये सब कॉन्टिनेंट के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमारे मुल्कों के अंदर दोस्ती हो. पाकिस्तानचे माजी क्रिकेटपटू आणि ज्यांनी इम्रानच्या नेतृत्वाखाली विश्वचषक जिंकला ते रमीज राजा यांच्याशी झी 24 तास कार्यकारी संपादक प्रसाद काते यांनी काही वेळापूर्वी संवाद साधला. राजा यांना खान यांच्या विजयाबाबत काय वाटतंय बघूया. रमीज साहब, आपके दोस्त इम्रान खान साहब प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, क्या पहली प्रतिक्रिया होगी आपकी? इस प्रिंसिपल पे उन्होंने जिंदगी गुजारी है. यानी कि आप जितना मर्जी उनको हाई प्रोफाइल एक स्पोर्ट्समैन समझ लें, मगर वो बहुत सादा इंसान रहे हैं. और आई थिंक पाकिस्तान को एक ऐसे नैरेटिव की भी जरूरत है. आई थिंक यहाँ पे बहुत ज्यादा नुमाइश हमारे पॉलिटिक्स में होती रही है और आई थिंक अब एक डायरेक्शन देने की जरूरत है एंड नई डायरेक्शन जो है वो इमरान खान ने दी है. वैसे आप भी जानते हैं कि जब चुनाव चल रहा था तो उसी समय इमरान खान की पत्नी की किताब आई और एक बड़ा बवाल उससे हो गया. आपको लगता है उसका कुछ असर हुआ है? अच्छा, दूसरी बात यह है कि इमरान ने तो खुद कई दफा माना हुआ है कि मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ, मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं. और अगर रिहाम खान की किताब या नैरेटिव के ऊपर चले जाते तो उनको तो दो वोट्स भी नहीं मिलने थे. तो आई थिंक वो एक बैकफायर किया है और एक आई थिंक एक सैड सिचुएशन क्रिएट किया है एक ऐसे लीडर के लिए जिसको कि सारी दुनिया पसंद और चाहती है. एक बड़ा रोचक सवाल होगा कि आपको लगता है कि क्या इमरान खान सचमुच कश्मीर का मसला हल कर पाएंगे? इमरान चाहेंगे इस वजह से नहीं कि पॉलिटिकल लीडर हैं, बट इस वजह से कि एक स्पोर्ट्स के लीडर भी हैं ये और एक स्पोर्टिंग बैकग्राउंड है. तो क्यों नहीं, और वो फिर आप दूसरे को आप मिलना चाहते हैं क्योंकि एक स्पोर्ट्समैन जो होता है वो खुले दिल खुले दिमाग का इंडिविजुअल होता है क्योंकि उसने बहुत सारी फाइट्स जो है वो फील्ड पे देखी होती हैं और जीती होती हैं. पुढची बातमी आणखी एका शेजारी राष्ट्रामधून. चीनची राजधानी बीजिंगमध्ये अमेरिकन वकिलातीजवळ स्फोट झाला. एका 26 वर्षीय चीनी तरुणानंच हा स्फोट घडवला. स्फोटामध्ये या तरुणाच्या हाताला इजा झाली आहे. त्याच्याखेरीज स्फोटामध्ये अन्य कुणीही जखमी झालेलं नाही. घटनेनंतर लगेचच पोलिसांनी आरोपीला ताब्यात घेतलंय. वकिलातीमध्ये अमेरिकन व्हिसासाठी जिथं रांग लावली जाते त्या भागातच या तरुणानं स्फोट घडवला. जियांग नावाचा हा हल्लेखोर अंतर्गत मंगोलिया भागातला असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं. त्यानं हा स्फोट का घडवला याचा उलगडा मात्र अद्याप होऊ शकलेला नाही. या स्फोटाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झालाय. स्फोटानंतर वकिलातीच्या परिसरात धुराचं साम्राज्य पसरलं.